Friends, most welcome in my YouTube channel Name Nursing Discussion, and today's video is gonna be about musculoskeletal system. So चलिए start करते हैं. हमारा first question है, the most preferred intramuscular injection site for children is. आपको बताना है most preferredly जो intramuscular site है जो कि हम बच्चों के लिए देखते हैं वह कौन सी है. आपके options हैं deltoid, dorsogluteal, vastus lateralis या फिर ventrogluteal. तो सोचिए आप इसका राइट आंसर कौन सा है हो सकता है. आपको बताना है जो मोस्ट प्रेफर्ड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट है चिल्ड्रन के लिए वह कौन सी होती है. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वेस्टस लेटरलीज. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस हैव सिग्निफिकेंट पेरिनेटल ट्रांसमिशन. आपको बताना है इनमें से कौन सा हेपेटाइटिस वायरस है जिसका जो है सिग्निफिकेंट पेरिनेटल ट्रांसमिशन होता है. आपके ऑप्शंस है हेपेटाइटिस ई वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस या फिर हेपेटाइटिस ए वायरस. तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हेपेटाइटिस बी वायरस. हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है इसके पास सिग्निफिकेंट पेरिनेटल ट्रांसमिशन की कैपेबिलिटी होती है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज ओनली क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन विच इज़ ट्रांसमिटेड अक्रॉस द प्लेसेंटा इज. आपको बताना है इम्यूनोग्लोबिन की मतलब वह कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है जो कि ट्रांसपोर्ट होती है अक्रॉस द प्लेसेंटा. आपके ऑप्शंस है IgG, IgM, IgA एंड IgD. तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है. इन द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज IgG. IgG जो है ये मोस्ट कॉमन जो है क्लास है इम्यूनोग्लोबिन की जो कि ट्रांसपोर्ट होती है अक्रॉस द प्लेसेंटा. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज मोस्ट एब्यूटेंट इम्यूनोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज. पहले हमने जो है वो इम्यूनोग्लोबिन देखी थी जो कि ट्रांसपोर्ट होती है अक्रॉस द प्लेसेंटा, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मोस्ट एब्यूटेंट इम्यूनोग्लोबिन ह्यूमन बॉडी की कौन सी है. आपके ऑप्शन है IgG, IgM, IgA या फिर IgD. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज IgG. IgG जो है ये मोस्ट एब्यूटेंट इम्यूनोग्लोबिन भी है हमारी ह्यूमन बॉडी की. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज एड्स इन चिल्ड्रन इज कैरेक्टराइज्ड बाय. आपको बताना है जो एड्स होता है डेट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है इसको जो है कैरेक्टराइज करते हैं चिल्ड्रन में. आपके ऑप्शंस है क्रिप्टोकोकस कॉजिंग डायरिया, रैश ऑन एक्सट्रीमिटीज, कपोसी सार्कोमा या फिर रिकरेंट कैंडिडियासिस सीन. तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है. एड्स जो होता है चिल्ड्रन में उसको हम कैरेक्टराइज करते हैं बाय. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रिकरेंट कैंडिडियासिस सीन, यानी कि जो बच्चे होते हैं जिसमें एड्स के चांसेस होते हैं वो जो है उसमें क्या है रिकरेंट कैंडिडियासिस जो है वो देखने के लिए मिलता है. नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज मेन रीज़न फॉर अंडर 5 मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट इज. आपको बताना है अंडर 5 ईयर के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें हमें हाई मॉर्बिडिटी और हाई मोर्टेलिटी जो है देखने के लिए मिलती है, उसके पीछे का बेसिकली रीज़न क्या है. आपके ऑप्शंस है माल न्यूट्रिशन, डायरियल डिजीज़, एस्फाइसिया या फिर ल्यूकेमिया. तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डायरियल डिजीज़. डायरियल डिजीज़ जो होती है ये मोस्ट कॉमन रीज़न है अंडर 5 ईयर जो बच्चे होते हैं उनमें मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी के लिए. नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ पेरिनेटल मोर्टेलिटी. आपको बताना है मेन कॉज क्या है पेरिनेटल मोर्टेलिटी का. आपके ऑप्शंस है LBW डेट इज़ लो बर्थ वेट बेबी, कॉन्जेनाइटल एनोमलीज, बर्थ एफाइसिया या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है. व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ पेरिनेटल मोर्टेलिटी. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बर्थ एस्फाइसिया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्सेलरी टेम्परेचर शुड बी टेकन फॉर हाउ मच पीरियड. आपको बताना है जो एक्सेलरी टेम्परेचर होता है उसको हम कितने पीरियड के लिए लेते हैं. आपके ऑप्शन है 15 सेकेंड्स, 30 सेकेंड, 1 मिनट या फिर 3 मिनट्स. तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3 मिनट्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेक्टल टेम्परेचर शुड बी टेकन इन. रेक्टल टेम्परेचर को हमें कितनी देर के लिए लेना चाहिए. आपके ऑप्शन है 30 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट या फिर 3 मिनट्स. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1
मिनट, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, सो अगर आप चाहें तो आप उसके लिए भी गो थ्रू कर सकते हैं। नाउ द 10th क्वेश्चन इज फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट मेडिकेशन इन चिल्ड्रन इज, आपको बताना है फॉर्मूला जो कि हम यूज़ करते हैं बच्चों में मेडिकेशन को कैलकुलेट करने के लिए वह कौन सा है। आपके ऑप्शंस है यंग्स रूल, क्लार्क्स रूल, फ्राइड रूल या फिर ऑल ऑफ द अबाव। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ऑल ऑफ द अबाव। नाउ द 11th क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ थर्मोमीटर नीड टू बी इंसर्टेड व्हिल टेकिंग रेक्टल टेम्परेचर इज, आपको बताना रेक्टल टेम्परेचर के दौरान उस रेक्टल टेम्परेचर को लेते वक्त जो लेंथ ऑफ थर्मामीटर है उसको जो हमें इंसर्ट करना है वह कितनी करनी है। आपके ऑप्शन है 1 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच या फिर 3 इंच। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 इंच। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 इंच। Now let's move on to the next question. Which is the recommended site of administration IM injection in children? Children's में जो IM injection हम देते हैं उसमें जो है most recommended site जो है वह कौन सी है। आपके options है left upper arm, deltoid, lateral aspect of thigh या फिर forearm। तो सोचिए आप इसका right answer क्या हो सकता है। And the right answer for this question is lateral aspect of thigh. Now let's move on to the next question. Drop factor of pediatric drip set is, आपको बताना है pediatric drip set का जो drop factor होता है, ये एकदम accurate information आपसे पूछी जा रही है इस question में, तो आपको बताना जो drop factor है pediatric drip set का वह कितनी होती है। आपके options है 16, 20, 30 या फिर 60। And the right answer for this question is 60. Now let's move on to the next question. Most commonly seen subtype of Down syndrome in children is, most commonly जो subtype होता है Down syndrome का जो कि हमें childrens में दिखाई देता है वह कौन सा होता है। आपके options है atopy, mosaicism, replication या फिर monosomy। तो सोचिए आप इसका right answer क्या हो सकता है। Most commonly seen subtype of Down syndrome in children is, and the right answer for this question is mosaicism. Now the 15th question is identify the clinical characteristics by Down syndrome. आपको जो है identify करनी है जो clinical characteristics होती है Down syndrome की वह। आपके options है slanted eyes, a nasal bridge that looks pushed in, small ears या फिर all of the above. तो सोचिए आप इसका right answer क्या हो सकता है। And the right answer for this question is all of the above. जो clinical features होंगे Down syndrome के वह होंगे slanted eyes, एक हमें nasal bridge दिखेगा जो कि इस तरह से दिखेगा कि जैसे उसको push कर दिया है अंदर की side, और small ears जो है Down syndrome में देखने के लिए मिलते हैं। Now the 16th question is all are seen in Down syndrome except, आपको इसे बताना है कि ऐसा कौन सा वो है ऑप्शन जो सही, मतलब जो कि है सीन नहीं होता डाउन सिंड्रोम में, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि डाउन सिंड्रोम में हमें नहीं दिखाई देती है। आपके ऑप्शंस है लो आईक्यू, ब्रैकेसिफैली, अम्बिकल हर्निया या फिर हाइपोथायराइड्स। ऑल आर सीन इन डाउन सिंड्रोम एक्सेप्ट, यानी कि कौन सा नहीं दिखाई देता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अम्बिकल हर्निया। Now the 17th question is bone dysplasia is because of, आपको बताना है जो bone dysplasia होता है वह किसकी वजह से होता है। आपके options है faulty nutrition, faulty development, calcium deficiency या फिर fall injury। And the right answer for this question is faulty development. Bone dysplasia जो होता है वह फॉल्टी डेवलपमेंट की वजह से होता है। यह जो है एक इंट्रेंसिक डिस्टर्बेंस होता है जो कि रिजल्ट करता है इन शॉर्ट स्टेचर। बोन और कार्टिलेज एबनॉर्मलिटी जो होती है वो लीड करती है टू चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ लेग्स, आर्म्स एंड ट्रंक, जिसको हम जो है बोन डिस्प्लेसिया बोलते हैं। नाउ द 18th क्वेश्चन इज डिफॉर्मिटी ऑफ डैश बोन रिजल्टिंग इन स्प्रिंजल शोल्डर। आप ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स की तरह क्वेश्चन है, आपको इसे बताना है स्प्रिंजल शोल्डर जो है वह किसकी डिफॉर्मिटी, कौन सी बोन है जिसकी डिफॉर्मिटी की वजह से होता है। आपके ऑप्शंस है स्कैपुला, रेडियस, अल्ना या फिर टिबिया। तो
तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्कैप्यूला। स्पिंडल डिफॉर्मिटी जो है ये एक कॉम्प्लेक्स एनोमली है जो कि एसोसिएटेड होती है विल माल पोजिशन एंड डिसप्लेसिया ऑफ द स्कैप्यूला। नाउ द 19th क्वेश्चन इज ब्रेक बोन फीवर इज कॉमनली नोन एज। आपको बताना है ब्रेक बोन फीवर जो होता है उस वो कॉमनली कौन सा होता है। आपके ऑप्शन है मलेरिया, डेंगी, काला अजहर या फिर क्यू फीवर। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डेंगी। नाउ द 20th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज लोकेटेड जस्ट इंटीरियर टू थैलेमस। आपको बताना है कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि जस्ट इंफीरियर टू थैलेमस जो है लोकेटेड होता है। आपके ऑप्शन है सेरिबेलियम, मेड्यूला, एपिथैलेमस या फिर हाइपोथैलेमस। ये एम्स भोपाल नर्सिंग ऑफिसर 2018 में क्वेश्चन आया था। तो आपको बताना है कौन सा जो है फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स में से कौन सा है जो कि लोकेटेड होता है जस्ट इन्फीरियर टू थैलेमस। आई थिंक आप इसका जो है राइट ही टिक करेंगे। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है ये लोकेटेड होता है बिलो द थैलेमस एंड इज पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। ये जो है लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस इज टू लिंक द नर्वस सिस्टम टू द एंडोक्राइन सिस्टम। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हाइपोथैलेमस का वह यह होता है कि ये लिंक करता है नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से विद द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड वाया द पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ थैंक यू एंड इफ यू लाइक माई चैनल एंड माई वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू कांट मिस एनी ऑफ माई अपडेट्स। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो टू बी यूजफुल देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू प्रिपेयर सम फ्यूचर कंटेंट ऑन दिस चैनल। थैंक यू।